हेलो एंड नमस्कार हरी, स्वागत है आप सभी का। मैं उदन सुख पालीवाल, लिंकिंग लॉस एंड एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम। देखो, घबराने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का। ये जो 10-15 मिनट हमारे जो टेक्निक ने खाया है ना, बदला लेंगे, चुन चुन के बदला लेंगे, उठा उठा के पटकेंगे। ओके, आज आईपीसी सावधान, हम तेरे को छोड़ेगा नहीं, है ना। और ये मैं आप सभी के लिए कह रहा हूँ, समझो। तो अब आ जाओ भैया, तैयार हो जाओ और आज धनाधन फटाफट, क्योंकि हमारा ऑलरेडी कुछ समय जा चुका है, इसलिए सीधे मुद्दे की बात करता हूँ, फटाफट आ जाते हैं अपन। और उससे पहले आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए और राजस्थान जुडिशरी के मेंस के एग्जाम देने के लिए जो कैंडिडेट्स अपेयर होने वाली है उनके लिए कुछ स्पेशल है। उनके लिए स्पेशली मैं कराने वाला हूँ क्या, मॉक टेस्ट। ओके, और ये मॉक टेस्ट रहेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ इनका भी करवाऊंगा मैं वीडियो सॉल्यूशन, यानी कि भैया दमदार तैयारी जो है करने के लिए तैयार हो जाना। आप टाइम टेबल आपको बता देता हूं मैं, राजस्थान जुडिशरी के जो मेंस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टाइम रहेगा 25th को 26th को, वही टाइम जो एग्जाम का है, सुबह 9 से 12 और 3 से 5, पहले दो पेपर और उसके बाद में साथ ही साथ में अगले दिन, यानी कि 9 से 12 और 3 से 5 अगले दो पेपर, और इमीडिएटली एग्जाम के जस्ट बाद में, एग्जाम के विद इन 15 मिनट्स आपको मैं वीडियो सॉल्यूशन भी कराने वाला हूं। और मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट्स है वो भी सुन लो, आपके लिए 4 तारीख है, 27, 29 फर्स्ट और थर्ड, 4 मॉक टेस्ट पर एकदम एग्जाम के पैटर्न पर, एकदम एग्जाम के पैटर्न पर जो होने वाले हैं और वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब कल डीजेस के कैंडिडेट्स के लिए एकदम कह रहा हूँ, फोड़ डालना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि उठा उठा के पटकना, किसको, डीजेस के हर एक सवाल को, अपने आत्मविश्वास को बना के रखना है। और अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इंडियन पिनल कोड को स्टार्ट है जो करते हैं। सर जी थोड़ा रुक के स्टार्ट करिए जी, मैं कैंडल लेके आता हूँ, ये खत्म हो गई। अच्छा, वाह शाबाश, बहुत बढ़िया सर के लिए, मतलब क्या कहते, घुमा के आयरनिकल स्टेटमेंट मार रहे हो। चलो जी, तो शुरू करते हैं यहाँ पर। अब देखो, आपके सामने इंडियन पिनल कोड, बहुत मतलब बड़ा एकदम अहिरावन टाइप का सीन है इसका, मतलब 511 एक सुगनिक फिगर है कहने को तो, लेकिन हमारे लिए बड़ा ही ये दुर्लभ टाइप का सीन बनता है, इतना बड़ा बेरक। लेकिन अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ऑब्जर्व कर लें तो कहीं कहीं ये हमारे लिए हेल्प है जो कर सकता है, ठीक है जी। अब देखो, इंडियन पिनल कोड के अंदर जितने भी चैप्टर है, टोटल 23 चैप्टर्स हैं। अब यहाँ पर मैं 9A अलग अलग चैप्टर्स की काउंटिंग को अलग से नहीं कर रहा हूँ। देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपके सामने जो है स्पेसिफिकली 23 चैप्टर्स में से मैं अभी इसी YouTube सेशन के अंदर लगभग 15 चैप्टर का मामला तय करूँगा, और 15 के बाद में जो चैप्टर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 है उनके बारे में बातचीत करेंगे हम स्पेशल क्लास के अंदर, ठीक है जी। तो आप लोग क्या करना, तैयार है जो रहिएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन शुरुआत में, आप लोगों को एक तो ये पनिशेबिलिटी के प्रोविजन को विशेष रूप से ध्यान में रखना है ना, सेक्शन 2, 3, 4 ये तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। इसमें कई बार ऐसा होता है कि सवाल को जो है थोड़ा घुमा के पूछा जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, और खासकर सेक्शन 5 जहां पर इंडियन पिनल कोड लागू नहीं होता, आपके पास आईपीसी का बेरेक्ट होगा। ऐसी सद्भावना मैं अपने साथ में लेके चल रहा हूं, फटाफट निकालो और देख लो जाए उन सवालों को जो आपके किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 2 क्या कह रहा है कि एवरी पर्सन शैल बी लायबल, इंडिया के अंदर किसी ने कोई भी अपराध किया भैया, यू विल बी लायबल फॉर इट। सेक्शन 3 के अंदर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी के बारे में बातचीत कराई गई है, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो कोई भी पर्सन जो है इंडियन लॉ के तहत अगर लायबल हो रहा है और कमिटेड बियॉन्ड इंडिया उसने अपराध किया है तो उसको ठीक उसी तरीके से लायबल ठहराया जाएगा। और साथ में साथ आपका सेक्शन 4 जो कि आउटसाइड इंडिया के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर सेक्शन 3 को मैं हटा रहा हूँ, सेक्शन 2, 4 और 5 इन तीनों पे आपको स्पेशल फोकस करना है। फिर से कह रहा हूँ, प्रीलिमिनरी का सवाल इसमें से बन के आपके सामने आ सकता है। एक आधा सवाल कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इंडिया का पर्सन जो है यहाँ पे मैरिड है, बाहर गया, ऑस्ट्रेलियन पसंद आ गई उसको, उससे उसने शादी कर दी, तो क्या उसने बाइगेमी का अपराध किया है। आंसर विल बी येस, आप इंडिया के सिटीजन हो ना, तो इंडिया के सिटीजन मतलब इंडियन कानून से आप लायबल ठहरे, इसलिए आंसर विल बी येस। ओके, बिल्कुल गुजरात प्रोहिबिशन ले लेंगे जी, पहले आप अपूरा मैम की क्लास अटेंड कर लो, ठीक है, और उसके बाद इसके बारे में प्लानिंग है जो करेंगे, अभी इंडियन पिनल कोड को समझो। अब देखो, अगला सवाल हमारे पास आता है आपके जनरल एक्सप्लेनेशन वाला चैप्टर, ये सेक्शन 6 से लेकर 52A तक लगभग इसके अंदर जो सेक्शंस की संख्या है वो आपके अराउंड जो है लगभग, मतलब आप मान के चलो कि एडिशनल सेक्शन मिला मिला के लगभग 50 या 45 के बीच में हो जाती है।
अब इनमें से कौन से सेक्शन आपके लिए यूजफुल है जो हो सकते हैं उन पर बातचीत करें। तो मैं यहाँ पर इनमें से आपको लगभग कितने बताने वाला हूँ, अराउंड 10 या 12 ऐसे सेक्शन बताऊंगा जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यानी कि आउट ऑफ 48 यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द दीज 12 सेक्शंस। बराबर, देखिए अब वो 12 सेक्शन कौन कौन से। सबसे पहले एक तो जो आपके जेंडर वाला वर्ड है यह ध्यान रखेंगे। क्यों? आप आइए यहाँ पर सेक्शन क्लॉक निकालो। यहाँ पर ही एंड इट्स डेरिवेटिव इंक्लूड के अंदर इसने मेल और फीमेल दोनों आता है, ये ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि हर जगह पे ही और सी अलग अलग नहीं कर रखा है। देन आफ्टर आपके सामने आ रहा है सेक्शन नाइन के अंदर जो नंबर की बात की है, तो सिंगुलर में प्लूरल में सिंगल शामिल रहता है, तो आपसे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर ये चीज आपके सामने आ सकती है। फिर सेक्शन 10 मैन वुमन ऑफ एनी एज, ये याद रखना, एग्जाम में कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने इसको घुमा फिरा के स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया है, तो एनी एज का मतलब चाहे बच्चा एक दिन का हो या 100 साल का बूढ़ा इंसान हो, उसको एक तरीके से सेम पर्सन जो है मैन वुमन में काउंट किया जाता है। अच्छा, इसके बाद कहने को तो सेक्शन 11 का भी मामला ठीक ही है, आप उसको भी देख सकते हो कि पर्सन की डेफिनेशन कौन आता है, बट मेरे अकॉर्डिंग देन आफ्टर आप जंप करके आ जाओ सीधा सेक्शन 21 पे आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बीच वाले जो सेक्शंस हैं आपकी मर्जी है तो पढ़ लो, नहीं मर्जी है तो छोड़ लो। मेरा ये मानना है 21 से लेकर 25 एक भी सेक्शन मत छोड़ना। 21 से लेकर 25 पब्लिक सर्वेंट की 12 कैटेगरीज हैं, 12 कैटेगरीज हैं। जिन्होंने मेरी क्लास पहले अटेंड कर रखी है उनको पता होगा कि हमने इन 12 कैटेगरीज को एक आसान तरीके से 5 सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है, और वो 5 सेगमेंट क्या करेंगे आपके 12 कैटेगरी को याद करने में आसानी है जो क्लियर कर सकते हैं। आर्मी है, जस्टिस है, क्रिमिनल है, सिविल है, अदर्स है, कुछ याद आ रहा है अगर पहले वाली क्लासेज अटेंड कर रखी हैं तो ये 12 कैटेगरी सेक्शन 21 वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, देन आफ्टर आपके सामने जो सेक्शन 22 आ रहा है वो भी ध्यान रखना है। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कॉर्पोरल एवरी डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी को इंक्लूड करेगा, लेकिन साथ में एक्सेप्शन भी दिए। देखो आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी शब्द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में आता है ना, वहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा दे रखी है, वहां पर एक्सेप्शन भी मिलेंगे आपको और यहां पर भी एक्सेप्शन है, तो 22 को विशेष रूप से जरूर आप मेंशन करेंगे। ठीक है, 22, 23 आपके रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस वगैरह, तो रॉन्गफुल गेन क्या होता है, रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, इसकी परिभाषा को एकदम स्पेसिफिक माइंड में सेट कर लेना, है ना भाई। रॉन्गफुल लॉस कौन सी परिस्थिति में होगा उसके लिए असेंशियल कंडीशन क्या है, रॉन्गफुल गेन कौन सी परिस्थिति में उसके लिए असेंशियल कंडीशन क्या है, है ना, ये बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सर एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बता देना, बिल्कुल बता देंगे, चिंता मत करो, पहले आप इनको नोट करते। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का सेगमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 23 के अंदर ये तीनों शब्द रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस वगैरह वगैरह। अच्छा, 24 जो है ना, 24 का असेंशियल एलिमेंट है 23। कभी भी किसी चीज को बेईमानी पूर्वक कब कहा जाता है, जब वहां पर आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से रॉन्गफुल गेन ले रहे हो या फिर रॉन्गफुल लॉस कर रहे हो किसी पर्सन का, तो 24 का एलिमेंट है 23। यानी कि अगर कहीं पर आपको 24 को समझना है तो यू नीड टू अप्लाई द 23। मजेदार बात पता है क्या, 24 में दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, या तो रॉन्गफुल गेन हो जाए या रॉन्गफुल लॉस हो जाए, तो भी वहां पर क्या हो सकता है, बेईमानी, डिसऑनेस्टली। देखो थेफ्ट का अपराध हो गया, एक्सट्रोशन का हो गया, रॉबरी हो गया, आपके डेकोटी हो गया, मिस अप्रोप्रिएशन हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, इन सब में क्या होता है, इफ वर्ड को इस्तेमाल कर रखा है, ये आपके क्या करता है, ये आपके मेन्स एरिया के बारे में बातचीत है जो करता है। ठीक है जी, चलो सीपीसी सीआरपीसी की सेक्शन। अरे लविना जी, आप भी मतलब तनसुख सर की तरह भोले राम के जीवी हो, करवा चुके हैं आप, कहाँ रह गए, पीछे रह गए आप, करवा चुके हैं। हाँ, सीपीसी के अभी तक ऑर्डर 11 से लेकर 50 तक बातचीत नहीं हुई, बाकी सीपीसी के सेक्शन वगैरह सारे हो चुके हैं। तो 24 डिसऑनेस्टली वर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आप आ जाओ फ्रॉडलेंटली, यानी कि कपट पूर्वक। फ्रॉडलेंटली का मतलब क्या होगा, देखो ये सारे मेंस रिया के इंडिकेशन है। क्या है ये मेंस रिया का इंडिकेशन है जो आपको अच्छे तरीके से दिमाग में सेट करना पड़ेगा। आपके सेक्शन 24, सेक्शन 25 हो गया, सेक्शन 39 हो गया, है ना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से क्या होती है, कनेक्ट है जो होती हैं। तो 25 के तहत फ्रॉडलेंटली, उसके बाद में जो डेफिनेशन आपको देखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग वो है सीधी सेक्शन 30 पे आ जाओ। अब बीच में 26 रीजन टू बिलीव है या सर्वेंट वाला मामला है, काउंटर फिटिंग वाला मामला है, वो वन लाइनर पॉइंट आप आसानी से याद करके रख सकते हो। ठीक है, चलिए तो आपको इसमें दिमाग है जो पूरा लगाना है। ओके, वो क्या रहेगा कि वर्ड्स रेफरेंस, देखो वैल्यूएबल सिक्योरिटी जरूर देखना है इसके अंदर। ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर आपको लीगल राइट क्रिएट करना, लीगल लाइबिलिटी वगैरह पॉइंट, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट और इंटेंशनली मेंशन कर रखा है। और खासकर जब आप फॉर्जरी का अपराध पढ़ते हो तो वहां पर भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी का पॉइंट आता है। अब मान लीजिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया
और इंस्ट्रूमेंट के संबंध पूछा कि बताओ यहाँ पर कौन सी पनिशमेंट आएगी, तो आप उसको 465 में कब लेके जाओगे या फिर उसको 467 में कब लेके जाओगे या 464 में कब लेके जाओगे, ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब तो पता होना चाहिए। एक सेकेंड के लिए आओ जरा आप सेक्शन 30 पे देखो। जब आप सेक्शन 30 को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, लीगल राइट क्रिएट होना, एक्सटेंड होना, ट्रांसफर होना, रेस्ट्रिक्ट होना, एक्सटिंग्वाइज होना या रिलीज होना, और साथ साथ में कोई भी व्यक्ति जो लीगल लायबिलिटी को एक्नॉलेज करे या फिर कोई भी लीगल राइट नहीं है इस बात को एक्नॉलेज करे, तो ये मामला आपके वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर आता है। हालांकि अगर आपका मन करे ना तो एक बार सेक्शन 29 में डॉक्यूमेंट के एग्जाम्पल भी देख लेना। जो आपका सेक्शन 29 है वहां पर आपको डॉक्यूमेंट के संबंध में जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं कि भैया चेक अपॉन बैंकर डॉक्यूमेंट है, पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट है, कोई भी मैप या प्लान डॉक्यूमेंट है, कोई भी राइटिंग जिसके अंदर डायरेक्शन लिखे हुए इंस्ट्रूमेंट के संबंध में डॉक्यूमेंट है, तो वो आप जरूर एक बार देख सकते हैं सेक्शन 29 के रेफरेंस के अंदर भी। ठीक है, सेक्शन 30 के बाद में हमारे पास में अगला शब्द आता है 32। अब 32 क्यों आता है ये ऑब्जर्व करना। देखो इसमें लिखा हुआ है कि एक्ट इंक्लूड द इलीगल ओमिशन। कई बार अपराध को पढ़ते समय हमें देखना पड़ता है कि वहाँ पे कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर किसी इंसान ने कुछ नहीं किया है तो उसको सज़ा क्यों मिलेगी, लेकिन कई बार कुछ नहीं करने के लिए भी सज़ा मिल सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा आईपीसी कहता है कि एक्ट इंक्लूड द इलीगल ओमिशन। आप जेल के क्या हो, इंचार्ज हो, और आपने कैदियों को खाना नहीं दिया यानी कि ओमिट कर दिया और इलीगली ओमिट कर रखा है, तो आपका वो खाना नहीं देने वाला मामला किस में चला जाएगा, ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर कंसीडर है जो किया जाएगा। इसलिए सेक्शन 32, 33, 34 ये तीनों ही सेक्शन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करते हैं। 33 का तो आपको मतलब पता ही है, 34 का तो आपको बेसिक मतलब ध्यान में ही है क्योंकि यहाँ पर कॉमन इंटेंशन की बात की जाती है। कॉमन इंटेंशन अपने आप में किसी भी अपराध के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को लायबल ठहराने का एक प्रोविजन होता है, और ये एक तरीके से क्या करता है, एक तरीके से रूल ऑफ एविडेंस क्रिएट करता है। सेक्शन 34 कभी भी इंडिपेंडेंट एप्लीकेबल नहीं होता है, कोई दूसरा ऑफेंस का सेक्शन वहां पर होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपके लिए सेक्शन 32, 33 भी इंपॉर्टेंट है एक्ट और ऑमिशन के रेफरेंस में। एक्ट और ऑमिशन के अंदर सीरीज ऑफ वगैरह को अप्लाई किया जाता है। 34 एक इसमें आप और अप्लाई कर सको, दैट इज 36। 36 क्यों है, यहां पर पार्टली वर्ड लिखा हुआ, लेकिन अंडरस्टूड है। ऐसे केस में एग्जाम में जनरली कैंडिडेट गलती नहीं करता है जी, जनरली गलती जो है वो नहीं करता है। ठीक है सर, एग्जाम का एडमिट कार्ड सेक्शन 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी के तहत आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है अंजू वर्मा जी, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट आपको लीगल राइट दे रहा है एग्जाम में बैठने का। अब मान लीजिए जिसके पास एडमिट कार्ड नहीं, उसके पास लीगल राइट नहीं है, है ना, तो जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको लीगल राइट देता है तो यस बिल्कुल उसको उसमें कंसिडर किया जा सकता है। तो ये आपके 34, 39 पे आ जाओ। अगला वॉलंटरी वाला वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वापस दूसरे ऑफेंस के अंदर भी एप्लीकेबल है जो होता है। अच्छा 43 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलीगल शब्द। अब ये इलीगल शब्द के अंदर क्या होता है, तीन बातें आपके सामने आती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें आती हैं, अगर कोई ऑफेंस हो, अगर कोई भी प्रोहिबिटेड एक्ट हो, या फिर कोई ऐसी चीज है जो सिविल एक्शन का ग्राउंड क्रिएट कर रही है, तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या कहलाती है, इलीगल है जो कहलाती है। और ऐसी कोई भी चीज जिसको नहीं करना, जिसको नहीं करने से वो चीज इलीगल हो जाएगी, तो इसका मतलब आप लीगली बाउंड हो उसको करने के लिए। ठीक है, क्या कहा मैंने, जिसको नहीं करने से वो चीज इलीगल हो जाए तो इसका मतलब आप लीगली बाउंड हो उसको करने के लिए। ठीक है, तो सेक्शन 43 यहां पर आपके दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। 44 में इंजरी, तो देखो चार तरह की इंजरी होती है, बॉडी, आपके रेपुटेशन की, प्रॉपर्टी की और माइंड की, तो ये चारों इंजरी के बारे में आपका सेक्शन 44 बात करता है। फिर आप इसमें सीधा सेक्शन 52 पे आ जाना। 52 यानी कि जो कि गुड फेथ के बारे में बातचीत है जो करता है, तो गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि भाई ड्यू कॉशन वगैरह रखने के बाद में, पूर्ण सतर्कता सावधानी रखने के बाद अगर आपने कोई एक्ट किया है तो वो गुड फेथ। अब जैसे मैं गुड फेथ में मान रहा हूँ कि आप लोग बेर एक्ट लेकर बैठे होंगे, है ना, लेकिन आप ठहरे बदमाश, आपने बेर एक्ट पास में रखा ही नहीं, सर हम तो ऐसे ही याद कर लेंगे, हमारा माइंड बड़ा सीपीयू है, तो ये होता है गुड फेथ का, क्या कहते हैं, फेथ टूटना। ठीक है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप लोग बेरेक लेके बैठे हो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई है जो कर रहे हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनको आपको दिमाग में रखना है। हालांकि यहां पर आप एक चीज हार्बर को भी मत इग्नोर कीजिएगा, हार्बर वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि पति पत्नी ने एक दूसरे को हार्बर दिया तो वो ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, लेकिन फिर भी जब आप सेक्शन 52A को ऑब्जर्व करते हो तो उसमें कुछ बातें लिखी हुई आपको ध्यान रखनी है। देखो इसमें सप्लाई शेल्टर, ये वर्ड अंडरलाइन कर देना, हो सकता है ABCD के अंदर आपके सामने आ जाए। क्या लिखा हुआ है, शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स,
आर्मी एम्यूनिशन मीन्स दारू, नहीं दारू नहीं है, ध्यान रखना ड्रिंक नहीं लिखा हुआ है, समझ गए। ऐसा नहीं हो कि शराब पीना हमारा अधिकार है, नहीं वो नहीं आएगा इसके अंदर, ध्यान रखना। शेल्टर फूड, तो ये जो चीज़ें लिखी हुई है ये हो सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन में आ जाए, हो सकता है एग्जाम के अंदर ऑप्शन में आ जाए, तो बी रेडी फॉर दैट। बराबर छः, बिल्कुल अच्छा। अब इसके बाद अगले सेक्शन की आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला चैप्टर है हमारे पास चैप्टर थ्री, यानी कि 53 से लेकर 75 तक का सेगमेंट हमारे सामने आएगा, जिसके अंदर लगभग लगभग आपके लिए 23-24 सेक्शंस हैं। कितने? 23-24। अब इन 23-24 के अंदर कौन कौन से सेक्शन आपको एग्जाम के परस्पेक्टिव से अच्छे से दिमाग में रखने वो सुन लीजिए, ठीक है। देखो यहां पर मैं आपको ज्यादा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां पर 7 सेक्शंस, बाकी के सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होगी उसके बारे में बातचीत करेंगे अपन। जैसे इसके बीच में 65 आएगा, 67 आएगा, तो उनका भी एक रोल है, ठीक है, वो भी अपन बीच बीच में डिस्कस करेंगे। 53 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें लिस्ट ऑफ मेंशन कर रखी है, काय की लिस्ट मेंशन कर रखी है, आपको इस बात की लिस्ट मेंशन कर रखी है भाई अलग अलग तरह की 5 पनिशमेंट वहां पर होती है, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या आपके 57 फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, यानी कि जो आपके लाइफ इंप्रिजनमेंट है उसका फ्रैक्शन आप क्या ट्रीट करोगे, उसको 20 साल है जो ट्रीट करोगे, ये सवाल एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। 63 अमाउंट ऑफ फाइन कितना होना चाहिए, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव, क्या हो सकता है, अनलिमिटेड आपका फाइन हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं होगा, तो अनलिमिटेड होना और साथ साथ में नॉट एक्सेसिव, ये वर्ड थोड़ा दिमाग में सेट है जो कर लीजिएगा। 63 के बाद में आप लोगों को जो है 65 और 67 के ऊपर भी दिमाग लगाना है, जहां पर डिफॉल्ट इंप्रिजनमेंट के बारे में बातचीत है जो की जाती है। तो अगर डिफॉल्ट इंप्रिजनमेंट आपको उस केस में मिल रही है जहां पर फाइन और इंप्रिजनमेंट दोनों है, तब तो मैक्सिमम कितनी होगी, 1/4। और 67 में आपको एक स्लैब दे रखा है, तो 67 का वो स्लैब भी आपके माइंड में चेकलिस्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो 63 के साथ में आप यहां पर दो सेक्शन और जोड़ देना, 65 को भी एड ऑन करना, और 65 और 67 इन दोनों सेक्शन को भी साथ साथ में एड ऑन है जो कर लीजिएगा। उसके बाद में सेक्शन 70 आपको दिमाग में अच्छे से सेट करना पड़ेगा, वो क्यों आइए बताता हूं आपको मैं। सेक्शन 70 के अंदर आपको रिकवरी, फाइन की रिकवरी कितने टाइम में करनी है उसका जिक्र है जो कर रखा है। अब इन्होंने यहां पर आपको दो पीरियड दे रखे हैं जहां पर हम थोड़े बहुत कंफ्यूजन है जो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है जी। अरे यूपी एपीओ अभी तो आया है, अभी तो पहले पूरी पढ़ाई करनी है, सर यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट सेक्शन बता दीजिए ना, पहले पढ़ाई कर लो यूपी एपीओ की, ये तो एग्जाम से 2-4 दिन पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये क्लास मैं उन कैंडिडेट्स को सजेस्ट नहीं करूंगा जिनके पास अच्छा खासा टाइम है पढ़ने का, ठीक है। तो वो लोग तो पहले रेगुलर करो यार, पहले रेगुलर करो। तो इसमें क्या दे रखा है, द फाइन और जो एनी पार्ट ऑफ फाइन रिमेन अनपेड मे बी लेविड एट एनी टाइम विद इन 6 ईयर्स आफ्टर द पासिंग ऑफ सेंटेंस, और अगर वो सेंटेंस जो है 6 साल से ज्यादा की है तो उस सेंटेंस के पीरियड तक, ठीक है। और जो डेथ ऑफ ऑफेंडर है वो डिस्चार्ज नहीं करेगी फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर डेथ बी लीगली लाइबल फॉर डेट, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो भी वहां पर क्या होगा, फाइन जो है रिकवर किया जा सकता है। अब एक सवाल हमारे सामने आता है कि अगर किसी इंसान ने जुर्माने के बदले में सजा काट ली है तो क्या उसका फाइन जो माफ हो जाएगा, जुर्माने के बदले में उसने सजा काट ली है तो क्या उसका फाइन माफ हो जाएगा। अब यहां पर हमारे कानून में ये बात लिखी हुई मेंशन कर रखा है एक तरीके से कि भाई अगर जुर्माने के बदले में उसने सजा काट ली है तो उसके खिलाफ हम जो वारंट ऑफ लेवी है वो जारी नहीं करेंगे, जो वसूली करने का जो वारंट है वो जारी नहीं करेंगे, बाकी आप चीजें कर सकते हो। तो हकीकत में क्या होता है कि वारंट ऑफ लेवी के बिना तो आप पैसा वसूल कर नहीं सकते, तो अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो माफ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक तरीके से उसका फाइन माफ हो गया। हमें एग्जाम में आंसर किसको लिखना है, हमें आपको एग्जाम के अंदर आंसर लिखना है हमारे किसमें कि भाई उसका जो फाइन है वो माफ नहीं होगा। हाँ जी सर हिंदी में भी समझा दो प्लीज, अरे छोटा सा तो पॉइंट है, 6 साल के अंदर पैसा वसूल करना है और या फिर आपके इंप्रिजनमेंट का पीरियड जो है वो वसूल करना है, ठीक है, उसके अंदर जो इसकी पैसे की वसूली है जो होनी चाहिए, तो 6 साल और या फिर आपके अमाउंट जो है सेंटेंस है वो, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा 71-72 इंपॉर्टेंट है, मतलब सेवरल पनिशमेंट के हिसाब से आप कैसे कंसिडर करोगे, लेकिन मेन जो बात है वो आपके 73 और 74 और 75 में देखने को मिलेगी। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कौन सी परिस्थिति के अंदर मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा, और इसका जब एग्जीक्यूशन करवाया जाता है, एग्जीक्यूशन कराया जाता है तो वहां पर आपको क्या आंसर लगाना पड़ेगा। सर 53 में 6 पनिशमेंट दी है, 1 इज ओमिटेड, तो ऑप्शन क्या लगाना है, अरे भाई 5 लगाना है, 5 लगाना है, 5 लगाना है, ठीक है चलो। और एग्जाम का अगर आंसर की में गलत आंसर है तो उसको चैलेंज करना है, चैलेंज करना है, चैलेंज करना है, समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत समझदार बच्चे हम सब लोग मिलकर। चलो तो 74 के अंदर लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये लिमिट किसकी है, एग्जीक्यूशन की, इतना जरूर ध्यान रखना, ये आपके एग्जीक्यूशन की
की लिमिट है और 73 में क्या है, ये आपके सजा देने की लिमिट है। ठीक है, 75 एनहांस पनिशमेंट कौन कौन से मामलों में आता है। अब यहां पर एक आप गलती करोगे जो मैं पहले से बता रहा हूं, ये तीन साल वाली अच्छे से ध्यान रखना। यहां पर तीन साल वर्ड जो लिखा हुआ है ना सेक्शन 75 के अंदर, यहां पर तीन साल का मतलब है मैक्सिमम, है ना। तीन साल का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वाला पॉइंट आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि एक्चुअल को कंसिडर कर दो, ये गलती एग्जाम के अंदर हमसे जाने अनजाने में हो सकती है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, चलो अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा है जनरल एक्सेप्शन का। अब देखो जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर ऐसा है कि जो अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें एग्जाम में कई बार ऐसा देखा गया कि इसके सवाल आ जाते हैं, लेकिन यहां पर आप लोगों को जिन जिन सेक्शंस पे स्पेशली फोकस करना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, मोस्टली जनरल एक्सेप्शन के जो प्रोविजन है वो एक एक लाइन के, वो एक एक लाइन के ही है। ठीक है, हाँ ये हुई ना बात, समझ गए, वेरी गुड। चलो 76 के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्ट डन बाय पर्सन। अब यहाँ पर 76 मैंने आपको स्पेसिफिकली इसलिए भी लिखा है कि आप 76 के इलस्ट्रेशन पे पूरा दिमाग लगाना। ठीक है, अच्छा आप में से कई कैंडिडेट जो 76 और 79 में कंफ्यूज भी होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, 76 और 79 दोनों में मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, एक में लीगली बाउंड है और दूसरे में जस्टिफाइड बाय लॉ है, दोनों का अंतर रहता है, इसलिए दोनों के इलस्ट्रेशन से इनकी पहचान कर लेना। दोनों के इलस्ट्रेशन से इनकी पहचान है जो कर लेना। अब बीच के वो जो चुन्नू मुन्नू है 77 78, वो आप कभी भूलोगे नहीं, क्यों, आप जज बनने जा रहे हो और जज वाला सेक्शन आप कभी भूलते नहीं हो, है ना। तो 77 78 को भूल जाओ अभी के लिए। सेक्शन 80 बहुत अच्छे से याद रखना, सेक्शन 80 में आप जब एक्सीडेंट की बात पढ़ो तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक कंडीशन भी लिखी हुई है सेक्शन 80 की। क्या कंडीशन लिखी हुई है बेरेक में देखो, यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट वे में एक चीज़ और मेंशन भी कर रखा है। बेरेक निकालो फटाफट, सर निकाल के रखा है, बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि कोई भी थिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। पहली बात तो एक्सीडेंट के साथ एक और वर्ड को ऐड कर लो, मिसफॉर्चून, क्योंकि आपको सेक्शन 80 हमेशा एक्सीडेंट के नाम से याद रहता है। मिसफॉर्चून आप जो है इसको समझोगे नहीं, मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, मेरे कर्म फूट गए, भगवान ये कैसा आदमी मिल गया, ऐसा होना सुना है ना डायलॉग, तो वाला यहाँ मामला आपके अप्लाई हो जाएगा। और किसी आपराधिक आशय क्रिमिनल इंटेंशन नॉलेज इन द डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट, आप जो भी एक्ट कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए। कई बार कहते हैं ना कि जैसे मान लो कि इंसान का इरादा चोरी करने के लिए वो किसी के घर में घुसता है और वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। अरे भाई चोरी करने का मामला जो है वो आपके क्या नहीं है, वो लीगल एक्ट नहीं है, लॉफुल एक्ट है जो नहीं है। इन लॉफुल मैनर, लॉफुल एक्ट भी होना चाहिए, लॉफुल तरीके से होना चाहिए, लॉफुल मीन्स के साथ होना चाहिए, प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, सेक्शन 80 में चार कंडीशन है और ये आपको चारों कंडीशन पता होनी चाहिए। लॉफुल एक्ट हो, लॉफुल आपके तरीके से किया जाए, ठीक है, लॉफुल जो मींस माध्यम से उनके जरिए किया जाए, और प्रॉपर केयर एंड कॉशन रखने के साथ में किया जाए। तो ये चारों बातें आपको क्या करनी पड़ती है, स्पेसिफिकली माइंड में है जो सेट करनी पड़ती है, और उसके अकॉर्डिंग ही क्या कर पाओगे आप सेक्शन 80 की एप्लीकेबिलिटी करा पाओगे। तो सेक्शन 80 के अंदर इन चार एलिमेंट को स्पेसिफिकली दिमाग में रखना, ये चार एलिमेंट आपको इस अलग से ध्यान में रखने हैं। समझ गए प्रभु जी, वेरी गुड। चलो अब आगे आ जाओ सेक्शन 81। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपके डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भी आता है, तो 81 रिलेवेंट है, मतलब बड़ी हार्म से बचने के लिए छोटा हार्म कर सकते हो, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का सिद्धांत वहाँ पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब देखो ये 82 83, ये एक्चुअली मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, बट पता नहीं क्यों मैंने लिख दिया, मन में हो गया होगा विचार कि हाँ भाई लिख लेते हैं। अब 7 साल का बच्चा, 7 से 12 साल का बच्चा, अनसाउंड माइंड पर्सन का जो एक्ट वगैरह है, तो ये कनेक्ट आप यहाँ पे जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये बेसिक से प्रोविजन है, सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ये वन लाइनर सवाल भी है, क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन भी है। और उसके बाद में जो व्यक्ति नशेड़ी है, अनसाउंड मतलब अब तरीके से नशा वशा करता है, तो अगर खुद की इच्छा से नशा कर रहा है तो मामला यहाँ पर नहीं आएगा। हाँ जी सर, वो कुल्हाड़ी वाला स्टेशन, वेरी गुड, ये बात हुई ना, मतलब जो है अपने आप में कुलाड़ी मारी, कुलाड़ी गिर के उछल गई, लग गई, है ना, वगैरह वगैरह जो भी है। उसके बाद में आप सीधे आ जाना सेक्शन 90 पे। देखो सेक्शन 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई अगर विद कंसेंट से कोई भी चीज़ करते हो तो अपराध में नहीं आती है। ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ मामले जहां पर कंसेंट को वैलिड कंसेंट माना ही नहीं गया है, कंसेंट को वैलिड कंसेंट माना ही नहीं गया है, तो वो ध्यान रखना है वो केसेस आपके कौन कौन से होंगे, सेक्शन 90 में दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा 91 का सिद्धांत है, अगर कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पर कंसेंट मैटर ही नहीं करती,
जहां पर कंसेंट मैटर नहीं करती, इंडिपेंडेंटली वो ऑफेंस है, तो 91 का पॉइंट आपको दिमाग के अंदर रखना है, ठीक है। 94 में डरा धमका के जैसे मामला कुछ हो जाए तो थ्रेटनिंग वेटनिंग का मामला, अब इसमें भी ध्यान रखना, आप किसी व्यक्ति को डरा के अगर वो व्यक्ति से मर्डर करवा देते हो तो वो बंदा नहीं बचेगा, आप डर के मारे किसी का मर्डर नहीं कर सकते, याद रखना ये, ठीक है। हाँ जी, मैकनॉटन केस बिल्कुल संदेश जी वहां पर एप्लीकेबल हो रहा था। तो स्लाइट हार्म, स्लाइट हार्म का तो मतलब पता ही है आपको, है ना, तो स्लाइट हार्म, तो यहां पर जो है ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है प्राइवेट डिफेंस। अब प्राइवेट डिफेंस 97 से लेकर आपके 106 का एक क्राइटेरिया जो है क्या करता है, तय है जो करता है। अब इसके अंदर भी सारे ऑफेंस हमारे लिए रिलेवेंट है जो नहीं है, यहां पर मैं स्पेसिफिकली प्राथमिकता देता हूं चार सेक्शंस को। चार सेक्शंस आप प्राइवेट डिफेंस के छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रखेंगे, कब तक, इंटरव्यू तक, अभी हाल फिलहाल प्रीलिमिनरी तक पकड़ के रखो इनको। 97 और 99, देखो 97 के अंदर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी और प्रॉपर्टी, अगर आप ये सोचो कि इन दोनों की बातें कहने के लिए मैं आपको 97 बता रहा हूं तो ऐसा नहीं है। देखो बॉडी के सारे ऑफेंस के अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी की बात करो तो प्रॉपर्टी के सारे ऑफेंस में प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होता है। क्या कह रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी के सारे मामलों के अंदर क्या नहीं होता है, प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होता है। तो वो कौन कौन से मामले हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 99 जरूर देखना, 99 एक्सेप्शन है प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का, तो कहां कहां पर प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं हो सकता, इसलिए 99 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सुन लो, देखो जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट क्यों है इसका लॉजिक समझ लेना, बाकी तो इसकी पीडीएफ आपको खूब मिल जाएगी, इस क्लास के बाद ही पीडीएफ अपने आप शेयर होने लग जाएगी। आप यहां पर दिमाग क्या रखोगे कि ये क्यों है, ठीक है जी। सर इसको याद रखना मुश्किल है, मुश्किल है कि आसान है, चलो सेक्शन 100 पे आ जाओ। यहां पर क्या है कि कब आप सामने वाले की डेथ है जो कर सकते हो, है ना, अपने प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में कब सामने वाले की डेथ कर सकते हो, प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में कब आप डेथ कर सकते हो, 103। तो ये चार सेक्शन प्राइवेट डिफेंस के चार सेक्शन में 1% भी गलती मत करना, 1% भी गलती मत करना, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ना कि भाई प्राइवेट डिफेंस में किया हुआ एक्ट ऑफेंस नहीं होता ये कहां दे रखा है, तब आंसर आपका 96 आएगा, क्योंकि मेन जो प्रोटेक्शन है ना वो आपको 96 में मिल रहा है, बाकी सारे सेक्शन उसको एक्सप्लेनेशन के तौर पर डील है जो कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं अपन अबेटमेंट के संबंध में। अब अबेटमेंट के अंदर हमारे पास में एक तो 107 और 108 ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है। एक बात आपको बता देता हूं मैं, जनरल एक्सप्लेनेशन वाले चैप्टर को साइड में रख लो, बाकी आपके इंडियन पिनल कोड में कहीं पर भी कोई भी डेफिनेशन आ रखी है मान के चलना कि वो डेफिनेशन काम की होगी, है ना। तो इसी तरीके से 107 और 108 अबेटमेंट, अबेटमेंट तीन तरीके से होता है, अबेटर किसको कहेंगे, 107 और 108 अबेटर वाले सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन। इसमें जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है ना वो आपको बहुत अच्छे तरीके से माइंड में सेट करके रखनी है। अब मान के चलना कि वो एक्सप्लेनेशन घुमा फिरा के आ सकती है, ठीक है। अच्छा एक बात मैं और बताता हूँ, कल डीजेएस का पेपर है और कल रात को हम डीजेएस का पेपर सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, कल शाम को, शाम बोले तो रात को 8 बजे डीजेएस का पेपर सॉल्व करेंगे। तो दोपहर में 1-2 घंटा सोना है तो सो जाना, अगर चलती क्लास में उबासी मारी तो तुमको विद्या की कसम है, ठीक है। विद्या बालन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो बचपन स्कूल टाइम के अंदर विद्या थी ना उसकी बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो कल रात को 8 बजे डीजेएस का पेपर सॉल्व करना है, तो जो कैंडिडेट दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, डीजेएस का एग्जाम दे रहे हैं नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, उसका एक्सपीरियंस ले लो, उसका एक्सपीरियंस आप लोगों को लेना है। चक दे फट्टे चंद्रमोहन जी, चक दे फट्टे, जाके मस्ती से फोड़ के एकदम रिलैक्स होकर रात को एकदम बढ़िया भांग पी के सो जाना, पीना मत, ऐसे ही कह रहा हूँ, मस्ती से सो जाना, और नींद नहीं आए तो मेडिटेशन करना। चलो भाई अब आ जाओ यहाँ पर 108A में, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। अब 108A को आप क्या कर सकते हो, सेक्शन 4 के साथ भी कनेक्ट है जो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपके आएगा 109। ये 109 जो है वो रेजिडल रूल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, रेजिडल रूल है। मान लीजिए कोई भी आपने एक्ट अबेटमेंट किया, ठीक है, और वो एक्ट अगर कमिट हो गया और उसका कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, स्पेशल प्रोविजन नहीं है, तो ध्यान रखना यहां पर ये पॉइंट आपके 109 एप्लीकेबल होता है। 109 की तरह 115 और आपके 116 ये दोनों सेक्शन भी क्या है, रेजिडुअल है। ये दोनों सेक्शन भी क्या है, रेजिडुअल है। देखो भाई कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है अबेटमेंट का और फिर भी वो अबेटेड एक्ट कमिट हो गया तब तो 109, और अगर अबेटेड एक्ट कमिट नहीं हुआ और एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है तो 115 या 116। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हाँ जी ओके, चलिए
नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो 109 का सेगमेंट आपको ध्यान में रखना है। 114 अगर बंदा वहां पर खुद प्रेजेंट है तो वो खुद उसी ऑफेंस के लिए लायबल है जो होगा, ठीक है जी। 115 मैंने आपको बता ही दिया, यहां पर 115 और 116 का डिफरेंस याद रखना, 115 और 116 का डिफरेंस जरूर याद रखना कि 115 जो कौन से केसेस में एप्लीकेबल होता है और साथ ही साथ में 116 जो है वो कौन से केसेस में। 115 एप्लीकेबल हो रहा है डेथ और एलआई के मामले, कौन से, डेथ और एलआई के मामलों के अंदर, और जबकि आपके 116 एप्लीकेबल होता है वो अदर देन डेथ और एलआई वाले केसेस के अंदर एप्लीकेबल है जो होता है। तो 115 और 116, बाकी की जो चीजें हैं उनको आप इच्छा हो तो गोली मार दो, ठीक है। 117, 18, 19, 20 कितना अच्छा लगता है ना सर, ये गोली मारने वाला शब्द आपके लेक्चर में जब 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 आता है तो दिल खुश हो जाता है। सही कह रहा हूँ क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में हाँ या ना बताओ, है ना। हाँ जी, आ जाओ आगे पॉइंट पे। तो अब आते हैं हम यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि चैप्टर 5A पे। चैप्टर 5A के भैया दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 120A भी है, 120B भी है। 120A क्यों है जरा सुनो, 120A इसलिए है क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो मेन परिभाषा है, मेन डेफिनेशन है, वो आपको 120A में दे रखी है। दो या दो से ज़्यादा पर्सन एग्री करते हैं कि वो किसी इलीगल एक्ट को करेंगे या किसी एक्ट को इलीगल तरीके से करेंगे, वो बात वहाँ पर आ जाती है ना। तो ये प्रोविज़न आपको ध्यान में रखना है। 120B क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझ लो। 120B इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो पनिशमेंट है ना, इन्होंने पनिशमेंट के बायफर्केशन कर रखे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई अबेटमेंट अगर आप सॉरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसी ऑफेंस के संबंध में है तो अलग बात, अलग तरीका रहेगा, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसी अदर देन ऑफेंस के संबंध में तो अलग तरीका रहेगा। तो इसलिए आपको दोनों सेक्शंस को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आप में से जो भी कैंडिडेट्स जुडिशरी कोर्स के बारे में या APO के बारे में जानकारी चाहेगा तो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा, ठीक है, क्लास के एंड में बताऊंगा। अभी सभी का समय खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग पूरा कंटेंट पर फोकस है जो करेंगे, ठीक है। चलिए अरे 124A सिडिशन, बहुत अच्छे से दिमाग लगाना इस पे। सिडिशन की परिभाषा के माइंड को एकदम नोट कर लेना, ठीक है। सिडिशन में अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी नहीं आती हैं, इसलिए 124A एक भी पॉइंट दिमाग के अंदर नहीं हटाना है, ठीक है। 124A हमारे लिए बहुत रिलेवेंट रहेगा। 124A के बाद में जो इसमें पूरे चैप्टर में, कौन से चैप्टर में, 121 से लेकर 130 तक। अब कहने को तो इसमें 11 सेक्शंस है और मैं सिर्फ आपको दो सेक्शन पढ़ने के लिए कह रहा हूं, बाकी के 9 सेक्शंस को गोली मार दो हाल फिलहाल के लिए, एग्जाम के टाइम के लिए कह रहा हूं। तो 124 और 130 में बेसिकली क्या है कि यहां पर आप एडिंग, एस्केप और रेस्क्यूइंग, हार्बरिंग, यहां पर ऐसे थोड़े भारी भड़कम वर्ड लिखे हुए हैं जो हो सकता है आपको घुमा के परेशान करे, ठीक है। ये बात आप जरूर यहां पर मेंशन है जो कर लीजिएगा। अच्छा, अब रहा आपके 131 से 140 के अंदर, तो उन 10 सेक्शंस में से सिर्फ एक सेक्शंस पे आपको दिमाग लगाना है और वो सेक्शन से आपके 139, वो सेक्शन आपके कौन सा रहेगा, 139। वर्तिका जी क्लास के एंड तक आप जुड़े रहिएगा, ठीक है, क्लास के एंड में बातचीत करेंगे, अभी आप एक बार इन पे फोकस कीजिए। तो पर्सन जो है 139 में क्या है, 139 में आर्मी नेवी के संबंध स्पेशल बात लिखी हुई है। देखो 139 को लिंक विद किया जाता है किसके साथ में, सेक्शन 5 के साथ में। सेक्शन 5 IPC की नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है और सेक्शन 139 जो है वो भी क्या करता है, आर्मी नेवी के द्वारा कोई भी ऑफेंस किया जाएगा तो उसको मैं वहां पर आपके इस कैटेगरी में 139 में नॉन एप्लीकेबिलिटी के संबंध में बातचीत है जो करेगा, ठीक है। चलो, अरे प्रभु जी, गोली इंसानों को मारोगे, किसी ऐसी संपत्ति जो आपके लिए मूल्यवान है उसको मारोगे तो नुकसान है। मैं यहाँ पर अदर प्रोविजन को गोली मार रहा हूँ तो कोई नुकसान नहीं है, समझ गए आप। हाँ, इससे ज़्यादा समझना है तो फिर अलग से समझाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये 139। अब इसके अलावा हमारे पास अगला चैप्टर आता है चैप्टर 8 यानी कि आपके पब्लिक ट्रैंक्युलिटी यानी कि लोक प्रशांति के विरुद्ध होने वाला अपराध। देखिए, अब लोक प्रशांति में सेक्शन 141 से लेकर आपके 160 तक के प्रोविजन है। अब यहाँ पर आपको जिन जिन सेक्शन से दिमाग लगाना, वो सेक्शन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपके 6 सेक्शन हैं, 6 सेक्शन है जिनको अच्छे तरीके से माइंड में एकदम सेट है जो कर लेना है, ठीक है, उनमें कोई गलती मत करना। नंबर 141, देखो 5 पर्सन, ठीक है, और 5 ऑब्जेक्ट, 5+5, ये ध्यान रखना, 5 कॉमन ऑब्जेक्ट और 5 पर्सन, ये दोनों वर्ड्स हमारे लिए मायने है जो रखेंगे अनलॉफुल असेंबली के तहत, और आपको अनलॉफुल असेंबली का एक एक कॉमन ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, समझ गए, वरना गड़बड़ हो सकती है, ठीक है जी। चलो उसके बाद में 146, ठीक है, आपको याद रह जाएगा क्योंकि अनलॉफुल असेंबली जब भी फोर्स इस्तेमाल करती है, जब भी वॉयलेंस इस्तेमाल करती है तो वो रायट है जो बन जाती है, बलवा बन जाती है। क्या बन जाती है, बलवा, बलवा कह रहा हूं, बलमा नहीं कह रहा हूं, वो बलमा अलग होता है, यहां पर बलवा की बात है जो कही जा रही है, ठीक है। 149 अच्छे से दिमाग में लगाना है, क्यों, कॉमन ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुन लो, पूरे इंडियन पिनल कोड के अंदर कॉमन ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ
आपके अनलॉफुल असेंबली के केस में लागू होता है। पूरे इंडियन पिनल कोड में कॉमन ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ अनलॉफुल असेंबली के केस में लागू है जो होता है। कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब यह है यहां पर कि अगर 5 पर्सन नहीं है तो कॉमन ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। 5 पर्सन नहीं है तो कॉमन ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, यह बात एग्जाम के अंदर ध्यान रखेंगे। हाँ जी, चलो भाई लेट मूव अहेड, अगले सवाल पे आ जाते हैं 149 के बाद में। अब यहां पर इन दोनों गब्बर सिंह को छोड़ना मत, क्या कह रहा हूं मैं, 153A 153B। 153A में आप शत्रुता फैलाते हो, है ना, एनिमिटी फैलाते हो, ऐसा काम कर रहे हो, दो कम्युनिटी के बीच में झगड़ा करवा रहे हो, ठीक है। तो 153A 153B, बी फॉर भारत, बी फॉर भारत, भारत बोले तो हमारा नेशन है ना, तो आप जो है नेशनल इंटीग्रेशन को अगर ब्रीच करते हो तो आपके 153B का मामला आ जाता है और वो आपके लिए यहां पर रिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, अच्छा लग रहा है, ये ऐसे बोला करो, कूल सर कूल सर, मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, गुड गुड गुड। और इसके लिए हो सकता है कि मैं आपको आधा घंटा और पढ़ा लूँ, है ना, मजे मत लो। अब आ जाओ सीधे यहाँ पर, ये क्या होता है कूल सर और हॉट सर, कुछ नहीं होता है, सब भोले राम की जीव होते हैं। टीचर सबसे ज़्यादा सीधा साधा भोला वाला ऑनेस्ट डिसेंट और सिंसियर टाइप का बंदा है प्रतिभा, उसको कुछ नहीं पता, उसको एक ही काम आता है, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, है ना। और बदमाश स्टूडेंट क्या होते हैं, जज बन जाते हैं, RSIS बन जाते हैं, टीचर बेचारा वहीं पे वहीं रहता है, हाथ में पैंट पकड़ के, हाँ जाओ आओ भाई नई क्लास को पढ़ाएंगे, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मतलब, आ जाओ। तो 153B का पॉइंट ध्यान रखेंगे और उसके बाद में 159FRA। अब यहाँ पर ध्यान रखना, FRA का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने आ सकता है। क्या होता है कि भाई 2 से ज़्यादा पर्सन, 2 or more person पब्लिक प्लेस पर, कहाँ पर, पब्लिक प्लेस पर अगर क्या करे, पब्लिकली फाइट करे, पब्लिकली फाइट करें और उससे पब्लिक पीस को ब्रीच करें, ठीक है, पब्लिक प्लेस, पब्लिक फाइट और पब्लिक पीस, तब ऐसा मामला हमारे सामने आ जाता है, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। 160, अच्छा अब इसके बाद में अगला जो हमारे पास चैप्टर है, देखो मैं बता रहा हूँ 141 से 160 के अंदर सिर्फ 6 सेक्शन बताए, इन 6 सेक्शन को छोड़ना नहीं है, ठीक है, 6 सेक्शन को छोड़ना नहीं है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, अब 161 से लेकर 171, खैर आप लोगों को ये तो ध्यान ही है कि शुरुआत के 5 सेक्शन जो है 1988 के अंदर जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया था उसी के साथ खत्म हो गए थे, ठीक है। चलिए, तो मैं भी तो मजाक ही कर रहा था, मैं कौन सा सीरियसली आपको कह रहा हूँ, हाँ यहाँ पे ये पॉइंट मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। तो 166A और 166B, 166A में पब्लिक सर्वेंट डी सॉबी द डायरेक्शन अंडर लॉ, ये मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, सर हमारे पास टाइम नहीं है फिर भी समझो, आओ 166A पर आओ। यार मैं दिल से चाहता हूँ कि एग्जाम में तुम्हारे वो नंबर तो नहीं कटे कम से कम जो अपन क्लास में डिस्कस कर लें, ठीक है। देखो 166A के अंदर ध्यान रखना, ये सेक्शन स्पेसिफिकली आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के बारे में बातचीत करता है, किसके बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बातचीत है जो करता है। देखो 166A के अंदर हमारे पास में कितने क्लॉज है, ABC 3 क्लॉज है, इधर ध्यान दो सर्वेश कुमार जी, सूर्य वंदना जी, देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, प्रोहिबिट हिम फ्रॉम रिक्वायरिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, है ना, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट जानबूझकर डिसओबे करता है डायरेक्शन ऑफ लॉ का जिसके तहत, तो किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए प्रोहिबिट कर रहा है, नंबर वन, या एनी अदर मैनर के अंदर इन्वेस्टिगेशन नोइंगली डिसओबे और प्री जुडिस एनी पर्सन या एनी अदर डायरेक्शन ऑफ लॉ रेगुलेटिंग द मैनर इन विच इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंडक्टेड, यानी कि सेकेंड पॉइंट भी इन्वेस्टिगेशन के संबंध में, और तीसरा अगर FIR जहां पर आपको दर्ज करनी है, और FIR अगर आप दर्ज नहीं करते हो तो वो मामला भी यहां पर आ जाएगा। लेकिन आप सी क्लॉज को अगर पूरा पढ़ोगे ना तो सी क्लॉज में स्पेसिफिकली 3 कैटेगरी के बारे में मैंडेटरी FIR का प्रोविजन आ रहा है, क्या कह रहा हूं मैं, ललिता कुमारी के जजमेंट को भूल जाओ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप यहां पर 166A का क्लॉज सी ध्यान रखना, यहां पर आपको स्पेसिफिकली आपके एसिड अटैक के मामले, जो आपके 354ABCD वाला मामला और रेप केसेस मामले 509, यानी किसी महिला वाले अपराधों के अंदर FIR अगर आपने दर्ज नहीं की तो आपके तरफ 166A के सी का अपराध है जो किया जाएगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सारे सेक्शन अभी पढ़ेगा, अभी पढ़ेंगे क्या, आप पढ़ा दो बस, चलो ठीक है ओके। तो 166A का आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ 166B पे, ये पॉइंट भी रिलेवेंट है, दोनों पॉइंट हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। तो नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, देखो एक तरफ आपके 357C आता है, विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम चैप्टर 27 CRPC का एक सेक्शन आएगा जिसमें विक्टिम के ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति विक्टिम का ट्रीटमेंट नहीं करता है, पब्लिक सर्वेंट अगर वो, तो यहाँ पर आपके सामने 166B आएगा। और इसका लिंक आपको कहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा,
357C के साथ में कनेक्ट है जो करना होगा। तो ये दोनों सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट प्रोविजन हमारे पास में कौन सा आता है, आपके चैप्टर 9A, यानी कि आपके ब्राइबरी वाला ऑफेंस। अब देखो ब्राइबरी वाले ऑफेंसेस के अंदर जो स्पेसिफिक चीज मुझे लगती है कि आप लोगों को कवर करनी चाहिए वो आप आ जाओ 171 निकालो। नंबर एक याद रखना, 171A के अंदर जो आपको इलेक्टोरल राइट दे रखा ना, इलेक्टोरल राइट, इसके अंदर राइट टू वोट भी शामिल है और राइट टू बीइंग अ कैंडिडेट भी शामिल है। क्या कह रहा हूं मैं भाई, संविधान में जब अपन पढ़ते हैं इलेक्टोरल वोट, तो उसका मतलब क्या होता है, एडल्ट सफरेज, यानी कि आपके पास 18 साल से ज्यादा के हो, सिटीजन हो और डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो। यहां पर वोट देना और वोट लेना, वोट लेता कौन है, कैंडिडेट, वोट कौन लेता है, कैंडिडेट। तो यहां पर इलेक्टोरल राइट में वोट देना और वोट लेना दोनों अधिकार शामिल है, एग्जाम में ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। इसके बाद में आप 171B के पॉइंट को ध्यान रखना कि ब्राइबरी का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो 171A और 171B ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करेंगे, इनका स्पेसिफिकली ध्यान जरूर रखिएगा। देखो यूं तो बाकी के सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई सेक्शन है ही नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी यहां पर सेलेक्टिवली अगर आपको चलना है तो आप 171A और 171B इन दोनों पर है जो विशेष रूप से ध्यान रख लेना। और खासकर 171A की डेफिनेशन को छोड़ के चलेगे ना तो हम तुमको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। चलो भाई अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट प्रोविजन हमारे सामने आता है 172 से लेकर आपके 190 तक। अब यहां पर जितने भी सेक्शंस हैं, उनमें से मुझे स्पेसिफिकली जो लग रहा है वो 6 सेक्शंस पर मेरी नजर है। 172 से लेकर 190 तक के जितने भी सेक्शंस हैं उनको जरा अच्छे से ऑब्जर्व है जो कर दो। हाँ जी, अच्छा सर CRPC का लिंक भी शेयर कर दो। सर मैं तो नहीं ढूंढ सकता, सर मैं YouTube पर नहीं ढूंढ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है सर, घरवाले इंतजार कर रहे हैं, फेरे पर बैठे हैं। आप शेयर कर दो लिंक, सारे काम सर से ही करवा दो, है जी। फिर जब जज बनने की सैलरी आए तो वो भी सर के अकाउंट में डलवा देना, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। क्या नाम है आपका, अमाजा आयुष जी, बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, मेरे अकाउंट में डलवा देना, हर काम सर कर दो, थोड़ा क्रिया करो भाई, YouTube पे जाके सर्च करो, मिल जाएगा आपको। और वो भी नहीं मिले तो linkinglaw.com वेबसाइट पे जाओ, फ्री वीडियो लेक्चर्स के ऑप्शन पे जाना, वहां पे मैंने सब्जेक्ट वाइज लिंक अवेलेबल करवाए हैं, प्रभु जी आपसे कह रहा हूं, सब्जेक्ट वाइज लिंक अवेलेबल कराए हैं, क्लिक मारो और वहां पे आ जाओ। थोड़ा थोड़ा काम करने की आदत डालो, वरना ऐसे नहीं हो बारात पहुंचे बोले कि नहीं नहीं मैं फेरे नहीं लूंगा, फिर आपका वो जो दोस्त है वो फेरे लेके भाग जाएगा वहां से, ध्यान रखना अपने को, जोकिंग। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पर तो 172 से लेकर 190 तक कौन कौन से वो सेक्शन है जो आपको दिमाग के अंदर रखना है स्पेसिफिकली, आइए देखो यहाँ पर आपके सामने कौन कौन सा पॉइंट आएगा। देखिए एक तो आपको 174A पे दिमाग लगाना है, यानी कि जब भी प्रोक्लेमेशन जारी की जाए सेक्शन 82 CRPC का, सेक्शन 82 के CRPC तक जब भी आपके सामने प्रोक्लेमेशन आती है तो प्रोक्लेमेशन के बाद में अगर आप अपीयर नहीं होते तो 174A को ध्यान में रखना, नंबर वन। साथ ही साथ में 176, जब आप ओमिशन टू गिव नोटिस और इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट, जब आप लीगली बाउंड हो और फिर भी आप पब्लिक सर्वेंट को सूचना नहीं दे रहे हो तो, ठीक है। 179, जब आप पब्लिक सर्वेंट ने कोई सवाल पूछा, और आपने मना कर दिया तो वो मामला भी आपके इसके तहत आ जाएगा, यानी कि 179 इस सेक्शंस को। उसके बाद में आपको 182 पे दिमाग लगाना है, फॉल्स इंफॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू इंजरी अनदर पर्सन। आप किसी पब्लिक सर्वेंट के पास जाकर जो है कोई ऐसी बात कहते हो ताकि पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर को क्या करे, इस्तेमाल करे, ठीक है। तो ये बात वहां पर एप्लीकेबल है जो हो जाता है, यानी कि वहां पर क्या होगा, ये मामला आपके सामने आ जाएगा। रिफ्यूज टू आंसर द पब्लिक सर्वेंट, फॉल्स इन्फॉर्मेशन आ गया 182, 186 में क्या था, पब्लिक सर्वेंट को परेशान किया आपने, है ना, ऑब्स्ट्रक्टिंग द पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी। तो ये आपका मामला यहाँ पर है जो कवर होता है। इसके अलावा 187 पब्लिक सर्वेंट को सूचना नहीं देना, या 188 पब्लिक सर्वेंट का ने जो डायरेक्शन दिया उसको फॉलो नहीं करना। तो ये सेक्शंस आप एक बार जरूर देख लेना विशेष रूप से। अब देखो यूं तो और भी है, रिफ्यूज ओथ, रिफ्यूज साइन, है ना, ऐसे और भी कई सेक्शंस होंगे, लेकिन मेनली जहां पर आपको फोकस करना है वो ये 7 सेक्शंस आपको दिमाग के अंदर रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगले मुद्दे पर आते हैं। अगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है गिविंग फॉल्स एविडेंस, यानी कि आपके पब्लिक जस्टिस वाला अपराध, ठीक है। अरे थक तो नहीं गए, नहीं सर थकने का सवाल नहीं, यही तो आपकी स्प्रिट है, मतलब थकते ही नहीं हो यार, हैट्स ऑफ,
एक हाथ नहीं दोनों हाथ से लिंकिंग सल्यूट। अब आ जाओ फटाफट यहां पे। तो 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, ये दोनों परिभाषाएं अच्छे से देखना, इनके एक एक एक्सप्लेनेशन को एक एक इलस्ट्रेशन को छोड़ना मत, है ना। गिविंग फॉल्स एविडेंस और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपके, दूसरा हो जाएगा फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, ठीक है जी। चलिए दोनों पॉइंट कनेक्ट होंगे। अब इसके बाद में अब बाकी देखो पनिशमेंट। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आईपीसी को आपने पहले नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो पनिशमेंट को रट्टे मारने की नाजायज कोशिश मत करना, है ना, क्योंकि वो कोशिश कामयाब नहीं होगी, समझ रहे हो, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गिविंग फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, इसके बाद सीधा जंप मार देना, कूदी मार देना 201 पे। अब 201 में आप एक गलती करोगे। सर आपको कैसे पता हम गलती करेंगे? अरे मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुन लो अब मत करना। 201 के अंदर आपको स्पेसिफिक पर्पज ध्यान में रखना है। 201 निकालो तो यहाँ पर फटाफट निकालो। रुके ना तू झुके ना तू चला चले अतीत के प्रमाण से भविष्य के निर्माण तक, अरे बूंद रक्त की गिरे समग्र तू प्रहार है। बाकी की बात बाद में सुनाएंगे आपको पूरे अच्छे से, पहले एग्जाम दे के आ जाओ। 201 पे आओ। अब 201 की भाषा पढ़ रहा हूं मैं, 201 की भाषा पढ़ रहा हूं। देखिए क्या यहां पर लिखा हुआ है, वो एवर नोइंग और हैव रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, वर्ड आ रहा है ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, यानी कि यहां पर ऑफेंस से पहले वाली बात एप्लीकेबल नहीं हो रही है, क्या हो रहा है ऑफेंस कमिट होने के बाद की बात आ रही है, ठीक है। कॉज एनी एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस टू डिसअपियर, किसी एविडेंस को डिसअपियर करता है विद द इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग द ऑफेंडर, इंटेंशन क्या था ऑफेंडर को बचाना, ठीक है नाउ, और विद द इंटेंशन गिव एनी इन्फॉर्मेशन रेस्पिंग ऑफेंस विद इन नो और बिलीव टू बी फॉल्स, और या फिर वो जो ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी अपराध के संबंध में जो उसको पता है कि गलत है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर उसके पास में दो इंटेंशन के तहत वो एविडेंस डिसअपीयर कर रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको चार्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं, मुझे पता है कि आज की क्लास इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बताने के बारे में, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा है, सुन लो आप क्या कर रहे हो, आप यहां पर जो है एविडेंस डिसअपीयर कर रहे हो, एविडेंस को क्या कर रहे हो एक तरीके से गायब कर रहे हो, वहां पर आपके पास इन दोनों में से कोई एक इंटेंशन है, इन दोनों में से कोई एक इंटेंशन है, पहला इंटेंशन और दूसरा इंटेंशन। देखो पहला इंटेंशन क्या था कि ऑफेंडर को बचाना, ऑफेंडर टू डिसअपीयर, ठीक है ना, स्क्रीनिंग द ऑफेंडर, और दूसरा क्या है विद द इंटेंशन टू गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन, आपका इंटेंशन क्या है फॉल्स इंफॉर्मेशन देना। तो यहां पर दो इंटेंशन, दो आपके उद्देश्य है जो हो सकते हैं, पहला ऑफेंडर को बचाना, ऑफेंडर को स्क्रीन करना, ठीक है, और दूसरा अपराध के संबंध में जानकारी गलत देना, फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के लिए आप एविडेंस को गायब है जो कर रहे हो। तो ये दोनों मामले, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भाई इंटेंशन क्या है, तो इंटेंशन सिर्फ एक नहीं आएगा, इंटेंशन जो है वो सिर्फ एक नहीं आएगा, यहां पर दो इंटेंशन है 201 के अंदर, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये अंदर की बात है, सोचा मन किया बता दूं इसलिए बता दिया आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ो, यहां पर 201 के बाद में अगला जो सेक्शन आपको देखना है 202, यहां पर क्या है, यहां पर आपने जानबूझ के इंफॉर्मेशन नहीं दी, जानबूझकर इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दी, ठीक है, क्यों नहीं दी, क्योंकि आपका इंटेंशन है, आप वो भी कौन से पर्सन जब क्या बाउंड दे, यू आर बाउंड टू गिव द इंफॉर्मेशन, फिर भी आपने वहां पर इंफॉर्मेशन जो नहीं दी है। 203 भी साथ साथ में देखो, यहां पर देखो 202 के साथ में 203 को ऑब्जर्व करना, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड, तो एक तो होता है इंफॉर्मेशन नहीं देना 202, और एक होता है फॉल्स इंफॉर्मेशन देना, ये आपके सामने 203 के अंदर कवर है जो हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, दिमाग के अंदर सेट है जो करने है। इसके बाद अगले सेक्शन पर आ जाओ 209, फटाफट चलो भाई, थोड़ा फटाफट चलो, आज वैसे भी गाड़ी लेट चल रही है, 209 पे आ जाओ। यहां पर आ रहा है फॉल्स क्लेम, देखो झूठा दावा करना, झूठा दावा करना, फॉल्स क्लेम करना, ये आपके इस कैटेगरी के अंदर है जो आ जाएगा। तो फॉल्स क्लेम के अंदर आपके सामने 209 वर्ड है जो आपको ध्यान में रखना है। 209 के बाद फॉल्स चार्ज, झूठा आरोप लगाना, देखो झूठा क्लेम करना और झूठा आरोप लगाना, आरोप बोले तो आप चार्ज, फॉल्स क्या कर रहे हो, चार्ज है जो फ्रेम करवा रहे हो, तो 211 के तहत ये चीज आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में 212, इस पॉइंट को आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि यहां पर आपको स्पाउस वाला एग्जाम्पल अच्छे से सेट करके रखना है, स्पाउस एक दूसरे को, वाह क्या निशाना था, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, है ना, मार्कर जो है एकदम हवा की स्पीड से उछल के आगे गया है और मैं उसको लेके आ रहा हूं। हाँ जी चलो, बुढ़ापे में नीचे झुकते ही ना ऐसे एकदम यू आ हा, शरीर दर्द करने लग जाता है। चलो
तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है हमारे पास में कि भाई आप जो इस तरीके से 209 और 211 को समझोगे तो एक में क्या है, एक में फॉल्स क्लेम करना है नंबर वन, और दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे के अंदर आ जाएगा आप झूठा आरोप लगा रहे हो, फॉल्स जो है चार्ज वहां पर क्या कर रहे हो, क्रिएट है जो कर रहे हो। ठीक है, चलिए देन आफ्टर 211 के बाद 212 आ गया हमारे पास में, हार्बर वाला ऑफेंस। अब आप सीधा आ जाओ 217 पे, 217 पे आ जाओ। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि भाई पब्लिक सर्वेंट अगर ऐसा कुछ करे, क्या कह रहा हूं मैं, पब्लिक सर्वेंट अगर ऐसा कुछ करे डायरेक्शन ऑफ लॉ कोर्ट इज सबजेक्ट विद इंटेंट टू सेव द पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट, किसी इंसान को पनिशमेंट से बचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा करे तो वो कहां पे चला जाएगा, पब्लिक सर्वेंट अगर ऐसा करे तो मामला 217 के अंदर चला जाएगा। देखो एक तो आप लोगों ने 166A भी पढ़ा है ना, वहां पर भी पब्लिक सर्वेंट कोई गड़बड़ी कर रहा था और यहां पर भी गड़बड़ी कर रहा है, वहां पे डायरेक्शन ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करना था इन्वेस्टिगेशन के संबंध में, यहां पर भी यहां पे भी वो लॉ के डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, बट यहां पे उसका उद्देश्य क्या है, किसी पर्सन को जो है बचाना। खैर चलो नाउ आगे आ जाइए, यहां पर अब सीधा जंप मार के आपको आना है 224 से लेकर 225 बी तक, 224 से लेकर 225 बी तक। देखो इन सेक्शंस में आपको जो मेन चीज मिलेगी ना वो क्या मिलेगा, यहां पे लिखे हुए है ना, यहां पे समझते आ जाओ 224 आप क्या कर रहे हो, हिज लॉफुल एप्रीहेंशन, आपको गिरफ्तार, आपकी गिरफ्तारी होनी है, पुलिस आ रखी है, आप कह रहे हो कि मैंने नहीं जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा है ना, मेरे को जेल वेल नहीं जाना, तो 224 यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा कि आप जो है रेसिस्ट कर रहे हो अरेस्ट करने के संबंध में। ठीक है, उसके बाद में रेसिस्ट और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल अदर पर्सन, किसी और व्यक्ति, नहीं ये तो मेरा भाई है, इसको तुम कैसे लेके जा सकते हो, है ना, तो वहां पर ही मामला आपके इस तरीके से कवर है जो हो जाएगा, यानी किसी और की गिरफ्तारी के बीच आप रुकावट डाल रहे हो। अच्छा 225A और 225B ये दोनों कहां पर एप्लीकेबल हो रहे हैं, ओमिशन टू अपीयर, पब्लिक सर्वेंट है, गिरफ्तार करना था किसी को, गिरफ्तार नहीं कर पाया या उससे वो भाग गया, तो ये बात हमारे सामने आ जाती है। ठीक है जी, तो आपको रेसिस्ट ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रिहेंशन एस क्या वो रेस्क्यू इन केस नॉट अदरवाइज, ये आपका रेजिडुअल नियम है। अब अगर पब्लिक सर्वेंट ने यहां पर बात कर ली ऑपरेशन टू एप्रीहेंड या आप किसी तरह का रेसिस्टेंट करा रहे हो जो आपको 224 225 में नहीं दे रखा है तो मामला इसके अंदर कवर है जो हो जाएगा। 228 आपको दिमाग में रखना है, यहां पर आप जज की इंटेंशनल इंसल्ट करते हो, इंटरप्शन करते हो प्रोसीडिंग वगैरह के अंदर, तो यहां पर पॉइंट आपका कनेक्टेड जुड़ेगा। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्या कि आप लोगों को जो है लिंकिंग करते रहना चाहिए, तो आप में से जिन कैंडिडेट ने पहले की क्लासेज अटेंड करके उनको पता होगा कि इस तरह के सेगमेंट के अंदर जैसे 228 आया तो यहां पर आप जो है 317 को भी कनेक्ट कर सकते हो। 317 में क्या करता है, जज को वो इंटरप्ट करता है, एक तरीके से परसिस्टेंट डिस्टर्ब करता है, इसलिए जज उसको क्या बोलता है, जज क्या बोलता है उसको, जज बोलता है गेट आउट, उसको कोर्ट से बाहर निकाल देता है। हाँ जी, AIB की तैयारी कैसे करें मत्रू जी, इसके लिए एक आपके पास वीडियो अवेलेबल है, और फिर भी अगर आपको जानना है तो क्लास के एंड तक कनेक्टेड रहो, क्लास के एंड में बातचीत करेंगे। अभी क्या एक दूसरे कैंडिडेट के थोड़े एग्जाम का टाइमिंग है इसलिए मैं फटाफट थोड़ा सा चल रहा हूं। ओके हाँ जी, तो 228A डिस्क्लोज, ये तो कई बार आया है, 228A का प्रोविजन जो है आप रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करोगे तो 228 का अपराध वहां पर आपके सामने आएगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 12 पे, चैप्टर 12 230 से लेकर कहां तक है, 263A तक है, लेकिन मैं यहां पर आपको सिर्फ तीन सेक्शंस के लिए फोर्स करूंगा, सिर्फ तीन सेक्शंस पे अच्छा दिमाग लगा देना इस प्रोविजन के अंदर, वो कौन कौन से हैं देखिए। नाउ 203 कॉइन और इंडियन कॉइन, इसके जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं ना, इलस्ट्रेशन वो एक बार जरूर पढ़ लेना, इलस्ट्रेशन देख लेना कि मतलब वो जो उसमें अलग अलग किया है, फरुखुद्दीन कौड़ी को क्या कहा जाएगा, कॉइन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, वो एक बार आप जरूर है जो देख लीजिएगा। ठीक है चलिए, ओके सॉरी डियर अगर नाम मैंने गलत ले लिया है तो, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैंने गड़बड़ कर दिया हो। 255 काउंटर फिटिंग द गवर्नमेंट स्टाम्प, 255 जरूर पढ़ना, और फिक्टीसी स्टाम्प 263 है, तो मेरे प्रभु जी आपको मैं क्या कह रहा हूँ, 230 255 263 है, ये कम से कम तीन सेक्शन जो है आप चैप्टर 12 से पढ़ के जाना, चैप्टर 12 से कम ये तीन बातें जरूर आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है अच्छा, इसके बाद आते हैं अपन फ्रॉडलेंट यूज वाले, मतलब जो आपके वेट एंड मिजर वाला चैप्टर है। अब वेट एंड मिजर वाले चैप्टर में मेरे अकॉर्डिंग आपको सिर्फ एक सेक्शन में ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए, वो है 264 फ्रॉडलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेविंग, मतलब आप क्या करते हो, ये अपराध सबसे ज्यादा होता है
है ना, कि जहां पर आप जो बाट वगैरह है, वेट मेजरमेंट वगैरह है, इनके साथ क्या करते हो, गड़बड़ी है जो करते हो। तो ये पॉइंट आपके यहां से कनेक्ट है, जो हो सकता है फ्रॉडलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट वगैरह वेविंग की। तो 264 सेक्शन एक बार जरूर अच्छे से देख लेना, 268 में कोई गड़बड़ी मत करना, ठीक है। आपके जो तीनों वर्ड है वो तीनों वर्ड आपको पता होने चाहिए, क्या क्या थे तीनों वर्ड, कॉमन। आपको एक तरीके से क्या कर रहे हो, आप न्यूसेंस यानी कि डेंजर क्रिएट कर रहे हो, एनोइंस क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो वो सारी बातें आपके सामने यहाँ पर कनेक्ट है, जो हो जाती है, ठीक है। और ये तीनों पॉइंट बहुत ही रिलेवेंट है, तीनों पॉइंट, कॉमन इंजरी, कॉमन डेंजर, कॉमन एनोइंस, कॉमन इंजरी, कॉमन डेंजर, कॉमन एनोइंस, ठीक है। ये याद रखना तीनों शब्द आपके 268 में। अच्छा, 268 में पनिशमेंट कहीं पर नहीं दे रखी है, और 268 जब पढ़ोगे तो 290 को भी दिमाग में रखना है, क्योंकि 290 के अंदर रेजिडुअल नियम है। मतलब अगर कोई ऐसा पब्लिक न्यूसेंस जो स्पेसिफिकली नहीं दे रखा है तो वहां पर 290 आ जाएगा, 200 रुपए का फाइन वहां पर आपको देना पड़ता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर 269, नेग्लिजेंट और लाइकली टू स्प्रेड इंस्पेक्शन ऑफ डिजीज। ये तो आपके कोरोना टाइम में बहुत ही इस्तेमाल हो ही रखा है ना। कोरोना टाइम के अंदर आपको लापरवाही से किसी बीमारी को फैलाने का काम कर रहे हो। क्वारंटाइल का नियम 271 में दे रखा है, ठीक है। एडल्ट्रेशन के तहत आपको 272 को विशेष रूप से ध्यान रखना है। खाने के अंदर किसी तरह की मिलावटी, पीने की चीज़ में मिलावटें हैं, या फिर अगर आप वाटर पॉल्यूशन कर रहे हो 277 वाला मामला, अगर आप जो है इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन कर रहे हो 278, अगर आप रश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे हो 279, और साथ ही साथ में नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रेस्पेक्ट टू फायर कंबस्टिबल। देखो आपको याद हो, क्या हो सकता है याद नहीं भी हो, तो मैंने आपको एक डायलॉग याद करवाया था नेग्लिजेंट कंडक्ट के संबंध में, है ना। तो जहरीली आग, मशीन वगैरह कुछ याद है, उस डायलॉग का वापस एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। तो 284, 85, 86, 87, 89 वगैरह, ये जो सेक्शन से आपको आसानी से याद हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 285 को थोड़ा सा जरूर देख लेना, क्योंकि इसका संबंध फायर से है। एग्जाम के अंदर जो सवाल जनरली आता है वो फायर से जुड़ा हुआ सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है, आग से संबंधित। इनफैक्ट अगर मिस्चीफ भी कारित करते हो तो वहां पर अगर आग के द्वारा मिस्चीफ हुई है तो वो भी अपने आप में क्या कहते हैं, रोल प्ले करती है। हाँ जी, मुझे सर बेस्ट क्लास थी वो, ओके थैंक यू अभिजीत जी। 290 के अंदर ध्यान रख लो, यहाँ पर आपको क्या करना है, 290 रेजिडुअल मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करें यहाँ पर मॉरल्टी वाले अपराध की, तो इसमें 292 को विशेष रूप से देख लेना, 292 को, सेल ऑफ ऑप्शन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑप्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी याद रखना, और साथ ही साथ में देखो ऑप्शन ऑब्जेक्ट की परिभाषा 292(1) में दे रखी है, ठीक है। और 292 के सबसेक्शन 2 में आपको वो ट्रांजेक्शन की लिस्ट दे रखी है जहाँ पर ऑप्शन ऑब्जेक्ट को सेल करना, मैन्युफैक्चर करना, डिलीवर करना, ये सारी बातें, एग्जिबिट करना, वो सारा ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। हालांकि 293 के अंदर भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 293 और 292 में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इस बात का कि अगर आपने 20 साल तक के यंग पर्सन को ऐसा कुछ सेल किया तो मामला 293 में पनिशेबल होगा। 294 एक कीपिंग लॉटरी ऑफिस है, इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में कनेक्ट कर लेना। 295A और 298 ये दोनों सेक्शन आपके रिलीजियस ऑफेंस में मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पर 297 का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जहाँ पर आप कॉर्पस से इंडिग्निटी वगैरह करते हो वगैरह, तो वो पॉइंट कनेक्ट होता है उस केस में। उसके अलावा आप बेसिकली 295A जहाँ पर कोई भी एक्ट करके आप क्या कर रहे हो, रिलीजियस फीलिंग को आउटरेज है जो कर रहे हो, और साथ साथ 298 जहाँ पर शब्दों के द्वारा आप रिलीजियस फीलिंग को आउटरेज है जो कर रहे हो। तो ये दोनों ही मैटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो होंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके सेक्शंस थे किससे कनेक्टेड, चैप्टर 15 तक के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे उनके बारे में हमारे सामने बात है जो आ रखी है। अच्छा, डायलॉग लिख भी दिया, बहुत बढ़िया, चलो शुक्र है, कुछ तो इतना तो याद है तुझे, है ना, कम से कम ये काफ़ी है। तो ये आपके चैप्टर 15 है। देखो हमको प्रॉब्लम जो है मेन शुरुआत के 15 चैप्टर तक आती है, ठीक। तो अभी इनको डिस्कस करेंगे और बाकी का डिस्कशन जो है 9 आपके PM की क्लास के अंदर होने वाला है, स्पेशल क्लास के अंदर, ठीक है। बिल्कुल ख्याति जी, आप चिंता मत करो, बार बार मुझे इस ख्याल को वापस विचारण में मत लाओ। गुजरात के माइनर एक्ट मैं आपसे कह रहा हूँ, एक एक्ट मैंने करवाया है। अपूर्वा मैम साथ साथ में मेहनत कर रही हैं, आप मैम की मेहनत को भी देखो, और फिर अगर बच जाएंगे तो टेंशन मत लो, बैकअप प्लान के अंदर भैया आपके धनसुख सर बैठे हैं, यू नीड नॉट टू टेक वरीड अबाउट दैट, बराबर छे। चलो अच्छा, अब सुन लो, अब मैं आपको काम की बातें बता देता हूँ, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। अब आपके आप में से सभी लोग जो हैं लिंकिंग लॉक वाले टेलीग्राम ग्रुप से आई थिंक जुड़े हुए हो, ठीक है। तो वहाँ पर अभी मैं एक फॉर्म शेयर करने वाला हूँ, रात को 10 बजे फॉर्म शेयर होगा, ध्यान रखना 10 o'clock। और ये फॉर्म किसका है, मध्य प्रदेश की जो फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है उसका है। जो कैंडिडेट इसमें नहीं आ पाएगा, इसमें फॉर्म नहीं भरेगा, तो वो सीधी सी बात है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा,
ठीक है। मध्य प्रदेश की और राजस्थान जुडिशरी के मेंस एग्जामिनेशन का एक मैं मॉक टेस्ट से लेके आया हूँ, इनका टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूँ, टाइम टेबल क्या रहेगा वो आप सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। तो इनका टाइम टेबल कुछ इस तरीके से है, देखो आरजेएस मेंस का जो टाइम टेबल रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि 25th को और 26th को, 25th को दो एग्ज़ाम रहेंगे, ठीक है। पहला एग्ज़ाम सुबह 9 AM रहेगा और वो रहेगा आपके सिविल पेपर का एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद दोपहर को 3 बजे एग्ज़ाम होगा, वो आपके होगा इंग्लिश ऐसे का एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद 26 तारीख को सुबह 9 बजे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम होगा आपके क्रिमिनल पेपर का, सब्जेक्टिव पेपर का, ठीक है। और उसके बाद 3 PM पर जो एग्ज़ाम होगा वो कौन सा होगा, वो आपके हिंदी ऐसे का होगा, ठीक। ये तो आरजेएस मेंस के लिए। उसके बाद मध्य प्रदेश के लिए सुन लो, MPCJ बिल्कुल फ्री है, ध्यान रखना, आपका पैसा इस टाइम पे खर्च नहीं हो, ऐसी दिल की इच्छा थी, इसलिए लड़ लड़ा कर, क्या समझ रहे हो, लड़ लड़ा कर ही फाइनली मैंने प्लान करवाया है कि बिल्कुल फ्री ऑफ टेस्ट सीरीज रहेगा। 4 टेस्ट आपके, 4 मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट का मतलब एकदम एग्जाम वाला सीन, 27th को, 29th को, 1 अप्रैल को और 3 अप्रैल को, ठीक है, 3 अप्रैल। टाइमिंग क्या रहेगा, सुबह 10 बजे, 10 AM 10 बजे जो है आपका इसका टाइमिंग रहेगा एग्जाम का। तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको गूगल फॉर्म शेयर करने वाला हूँ, लिंकिंग लॉ के तनसुख सर वाले टेलीग्राम चैनल में, जहाँ पर हम लोग 16,000 का हमारा लॉ लिंकर का परिवार है, उस ग्रुप के अंदर मैं शेयर करूँगा। तो आपको क्या करना है, वो फॉर्म वहाँ पे फिल है जो कर देना है टाइम पर, बराबर। एक तो ये ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए, बाकी मैं आपको बता दूँ, आप में से जो भी कैंडिडेट्स किसी भी तरह का कोर्स रिलेटेड डाउट पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, बाकी कैंडिडेट जिनके एग्जाम में आप जा सकते हो, किसी का कोई डाउट है इस सेशन में तो वो मुझे बताइए, क्योंकि जिनके एग्जाम में मैं नहीं चाहता उनका एक एक मिनट भी जो है कीमती है, वो खराब होना चाहिए, एक भी मिनट खराब नहीं होना चाहिए, ये इच्छा है। देखो दो बैच हमने रनिंग में चल रहे हैं, 13th अप्रैल यानी कि लिंकिंग रेगुलर बैच 2.0 लाइव क्लासेस भी होती है, सारी रिकॉर्डेड वर्जन आपको उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। और साथ साथ APO का लिंकिंग बैच, इन दोनों बैच का कमाइंड वर्जन भी चल रहा है, सेपरेट वर्जन भी है जो आपके सामने चल रहा है। वर्तिका जी का सवाल है सर न्यू ऑफर कब आएंगे, देखो नए ऑफर जो होते हैं वो अक्षमात आते हैं, डिपेंड करता है, तो या तो आप वेट कर लो और नहीं तो आप जो है सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वेट करना है, रुक जाओ 2-4 दिन, है ना, ऑब्वियसली बात है, क्या पता नया बेनिफिट आपको मिल जाए वहाँ पर, बराबर। लगभग जो है 7-10 दिन के अंदर ऑफर आता रहता है वर्तिका जी, लेकिन ध्यान रखना आप लिंकिंग कोर्ट से जुड़ेंगे तो ही आप है जो लिंकिंग लॉ के साथ कनेक्ट रह पाएंगे, ओके। उसके बाद स्पेशल क्लास के ये सारे फीचर्स है, जो भी अभी 9 बजे वाली क्लास है ना 9 PM उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके बारे में अपन क्या करेंगे बातचीत है जो करने वाले हैं, ऐप पर है या यूट्यूब पर है, ऐप पर होगी, अनअकैडमी ऐप पर है जो ये क्लास आपके होने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी कोर्स संबंधी क्वेरी हो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, बातचीत है जो कर सकते हो। दो तरह के क्लोज से चलते हैं अनअकैडमी के अंदर, एक होता है आपके स्पेशल कोर्स, जहां पर यानी इसको बोला जाएगा आइकॉनिक, यहां पर 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है इसलिए आइकॉनिक है, ठीक है। और दूसरा है आपके प्लस में वो सारी चीजें हैं जो आइकॉनिक के अंदर शामिल रहेगी, आइकॉनिक में कुछ बातें एक्स्ट्रा है, कुछ बातें क्या है एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे रिलेवेंट होगा, जैसे मेंटोरशिप का, टेस्ट के एनालिसिस का, आपका रिकॉर्ड। देखो एक चीज तो मैंने जो पर्सनली फील किया, आपको सब्सक्रिप्शन लेना नहीं लेना आपकी मर्जी, लेकिन वाकई में टेक्नोलॉजी के मामले में अनअकैडमी ने अलग ही तरह का रिवोल्यूशन लाया। अब क्लास में आप ऑनलाइन क्लास घर बैठे अटेंड कर रहे हो, आपको डाउट आया तुरंत रेज हैंड कर दिया, आपके पास एक बटन है, क्लिक करते ही आपका और मेरा बातचीत शुरू हो जाएगा। मतलब ऑनलाइन की क्लास में एक ऑनलाइन टीचर एक ऑनलाइन स्टूडेंट की बातचीत हो रही है तुरंत, वो भी इमीडिएटली, दैट्स रियली अ ग्रेट थिंग, मतलब मजा आएगा आपको चीज के अंदर, ठीक है। और ये आपके सामने प्राइस कोटेशन है जो भी चल रहा है आइकॉनिक का और प्लस का। सीधी सी बात है, आइकॉनिक में स्पेशल चीजें हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप है, आपको स्पेसिफिकली डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का फायदा मिलेगा। तो यहां पर ये आपका प्लस और आइकॉनिक, लिंकिंग कोड अप्लाई करोगे सीधी सी बात है 10% लेस तो अपनी जगह पर है ही, साथ ही साथ में डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहेगी और फ्री लिंकिंग चार्ज आप लोगों को मिल पड़ेंगे, कोई भी डाउट्स है आपका यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे बताओ, सर आई एम न्यू इन एन अकेडमी प्रिपेयरिंग फॉर छत्तीसगढ़, वी ऑल्सो नीड मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज फॉर द छत्तीसगढ़ के लिए समय आने पर जरूर करेंगे, अभी हाल फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश के मैं प्लान कर रहा हूँ, ओके। सॉरी आपका नाम क्या था, आयुष जी, ओके। चलो MPCJ प्री टेस्ट कब है, अरे प्रभु जी 27 तारीख, 29th, 1st मई और आपका 3rd मई, ये आपके 4 दिन जो है टेस्ट रहने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको लिंकिंग लॉ का जो अपना तनसुख पालीवाल सर का जो टेलीग्राम चैनल है
उस पर जाके आपको गूगल फॉर्म भरना है। आज रात को 10 बजे गूगल फॉर्म आएगा, रात को 10 बजे गूगल फॉर्म आएगा। एपीओ का सिलेबस बताना सर। अरे मिस्टर हायत जी, आप है ना सिर्फ कल परसों की जाके क्लास देख लो, मैंने एपीओ का पूरा मामला डिस्कस किया। यूपी एपीओ की बात कर रहे हो ना, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में 1 घंटे का डिटेल अपन डिस्कशन कर रखा है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प है जो करेगा। ओके सर, हाउ टू ज्वाइन सर आपकी पेड क्लासेस। शुश श्री जी, एक तो आपका नाम बड़ा ही अलग टाइप का, अलग विचित्र नाम है, शुश अलग है, श्री अलग है। खैर, तो सुश्री जी ये क्लासेस आपको अनअकैडमी ऐप पर मिलेगी। अनअकैडमी ऐप पर जाएंगे आप, डाउनलोड करेंगे, जुडिशरी गोल अगर सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान जो मैंने आपको बता रखे हैं ना, ये सब्सक्रिप्शन प्लान आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, वैलिडिटी पीरियड वाइज है, कोर्स वाइज नहीं है। मतलब आपकी वैलिडिटी पीरियड में जितने भी कोर्सेज होंगे सबका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। स्पेशल गुजरात के लिए कोई वीडियो बनाइए प्लीज। ओके, बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। पहले एक बार डीजेस का एग्जाम कल हो जाने दो। अच्छा, डीजेस का एग्जाम आप में से कोई दे रहा है क्या आज अभी है इस क्लास में? सर कल एडमिशन लिए लिया, 2-3 दिन रुक जाएं सर, बताएं प्लीज। ले यार 2-3 दिन रुक जाओ। देखो यार, इस बारे में ऑफर का तो एक बताऊँ, एजुकेटर को नहीं पता होता। अब ऑफर तो क्या है, मैनेजमेंट का इशू है, हमें नहीं पता रहता कि भाई ऑफर कब आएगा। लेकिन जनरल ट्रेंड देखा गया है कि कुछ उनको 10-15 दिनों में कोई ऑफर है जो आता रहता है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, हाँ जी सर, थोड़ा आराम कर लीजिए। अच्छा डाउट, अच्छा सजेशन है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? गुल एडवोकेट जी। ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग नेम, गुल एडवोकेट। बिल्कुल, रेस्ट कर लेंगे, पहले आप लोग जज बन जाओ यार, फिर रेस्ट ही रेस्ट है। सर यूपी के लिए कोई बैच चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है वर्तिका जी, जो हमारा लिंकिंग बैच है। लिंकिंग बताया क्या, हम लोग कॉमन सिलेबस हर स्टेट के कवर को कर रहे हैं। हर स्टेट का मामला जो है वो क्या होगा, कवर है जो हो रहा है। तो 13 आपके अप्रैल से बैच स्टार्ट हो गया, अब आपको डिले नहीं करना चाहिए। अगला बैच मैं दिसंबर से पहले नहीं लाने वाला। ठीक है, तो आप इसी बैच का बेनिफिट है जो ले लीजिए। सर जीजीएस की कुछ बात करो। जीजीएस की क्या बात करूँ, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम है, बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट्स आते हैं उसके अंदर, एकदम बढ़िया सुंदर सुंदर कैंडिडेट्स आते हैं, है ना। अरे भाई जीजीएस अपने आप में शानदार, 15 अप्रैल का है, पहले कल डीजीएस का मामला हो जाने दो। एपीओ में जीएस क्लास का लिंक है क्या? ऑफकोर्स है, बिल्कुल है। अरे भाई आप जीएस का कह रहे हो, हिस्ट्री का भी इंक्लूड है उसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल कयूम जी, आपकी बात मैंने मैसेज पढ़ लिया। सर महाराष्ट्र वाले भी बिहार भर सकते हैं क्या ये फॉर्म? नहीं अभिजीत जी, ये एग्ज़ाम जो मध्य प्रदेश वाले दे रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है सर, आप जयपुर से हैं? नहीं जी, मैं जोधपुर से हूँ, छोटा सा एक शहर है जहाँ पर भोले भाले हमारे जैसे लोग बसते हैं। हाँ जी सर, पहले मैं थ्योरी और एप्रोकेशन ऑफ फिनोलॉजी लीगल से मेरी एग्जाम प्रिपरेशन हो रही है जब से आपकी क्लास देखी है। ओके, आई लव योर क्लास मोस्टली। ओके जी, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, चलो फिर तो आज की क्लास को अभी ब्रेक देते हैं। 9 बजे मिलूंगा मैं आप लोगों से, कहाँ पर? 9 बजे मिलने वाला हूँ स्पेशल क्लास के अंदर। ठीक है, तो अब वहां पर हम लोग क्या है, बाकी के जो पॉइंट बचे हैं उनको डिस्कस है जो करेंगे। सर अरेंज कोर्स फॉर वेस्ट बंगाल हायर जुडिशियल सर्विस। नंदिता जी, हायर जुडिशियल सर्विसेज के अंदर मैं आपको फ्रेंकली बताता हूँ क्या चीज़ है, क्यों कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हायर जुडिशियल सर्विस के लिए स्पेशली बैच क्यों नहीं लॉन्च करता। सीधा सा लॉजिक है, ऑनलाइन के अंदर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा रहती है, तो एक ट्रैफिक, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ मिनिमम चाहिए होता है, वो नहीं होते तो फिर वो लोग उसको वर्कआउट नहीं कर पाते। ये एक स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है जिस कारण हायर जुडिशियल के बैच नहीं आते। लेकिन मैं आपको एक जानकारी यहाँ पर दे दूं कि हायर जुडिशी का 70% सिलेबस जो है ना वो लॉ जुडिशी के सिलेबस के साथ में कवर होता है। मतलब आपके सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी वगैरह, मेजर लॉ वगैरह है वो तो सारा इसके अंदर कवर होगा। तो आप अगर चाहो तो लॉ जुडिशी के सिलेबस से आपके लगभग 60% हायर जुडिशी की तैयारी कर सकते हो। ये एक सजेशन है, लेट्स यू, आप डिसाइड कीजिए। ओके, एमपी एडीपी के लिए भी कुछ स्टार्ट करें? अरे प्रभु जी, कर चुके तो हैं, और कैसे स्टार्ट करें, नगाड़ा बजा नगाड़ा नगाड़ा नगाड़ा। 20 अप्रैल से सॉरी जो बैच स्टार्ट हुआ है एमपी एडीपी के लिए भी तो है, आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। ठीक है जी, चलो तो आज की क्लास को यहीं पर समअप करते हैं। बड़ा मजा आता है आप लोगों के बीच में अगर अपनी एनर्जी जो है दोगुना तीगुना और 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, एंड में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, स्पेशल क्लास का लिंक नीचे दे रखा है, 9 PM मिलते हैं। और अगर आप कोर्स का प्लान, सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो पहले रुक जाओ, पहले अपनी आत्मा से पूछो वाकई में सीरियस हो क्या। सीरियस हो तभी यार प्लीज़ अपना समय और अपने पेरेंट्स का पैसा लगाना। ठीक है, ये बात आपसे एक दोस्त के नाते कह रहा हूँ, एक भाई के नाते कह रहा हूँ, एक किसी टीचर के नाते नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, पूरा दृढ़ निश्चय हो जाए, एकदम कॉन्फिडेंटली आपने डिसाइड कर दिया है कि अब करना ही करना है, तो तभी आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आके डाके बोल देना कि मैं तो ये करेगा। ओके, फिर दैट मोस्ट वेलकम।
वरना देखो जब तक आप लोग डेडिकेशन के साथ में नहीं आओगे ना, एक क्या 100 तनसुख पालीवाल भी कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। मिलके करेंगे, लड़ाई करेंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, बस इतना प्रॉमिस आप लोगों से कर सकता हूँ। तो चकते फटे थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।